तो बेटा मिसलेनियस क्लास 12 मैट्रिक्स की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स दी हुई है, मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो x यहाँ पर है यहाँ पर है। कैसे करेंगे? पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इजी है। सबसे पहले बेटा जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? रॉ इनटू कॉलम। तो पहली रॉ, पहला कॉलम x मल्टीप्लाई 1, x माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, माइनस 2। x मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, माइनस 10, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट x मल्टीप्लाई 2, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, माइनस 5, माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 3। डन। ठीक है भाई, इसको क्या हो गया? इसका आंसर क्या आ गया? ये क्या सॉल्व हो गया? x माइनस 2, ये क्या आ गया? माइनस का ओनली 10, और ये क्या आ गया बोलो? माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 8। ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या थी? x 4 एंड 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉ इंटू कॉलम। तो भाई रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x, ये लिख दिया मैंने ऐसे कैसे। ठीक है। अब अच्छा एक चीज देखो जरा इसके अंदर, इसमें याद रखना बेटा इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, रॉ इंटू कॉलम। एक रॉ तीन कॉलम, और इसका क्या है? तीन रो एक कॉलम। याद रखना जो भी इसका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? वो आंसर आएगा हमेशा बेटा हमारा बोलो 1 into 3। हाँ वेरी गुड। ठीक है, चलो बस ऐसे ही याद दिला रहा था कॉन्सेप्ट, आगे कॉन्सेप्ट काम आता है, इसलिए याद दिला था। ये x है तो x मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4 तो माइनस 40, प्लस 2x माइनस 8 मल्टीप्लाई 1, तो ये सेम टू सेम उतर के आ गया। ठीक है। तो x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x से हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब क्या हो गया? माइनस 2x प्लस 2x, ये रहा, तो ये रहा प्लस 2x, थोड़ा सा अंदर घुस गया। अब ये क्या हो गया? माइनस 40 माइनस 8, क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 48, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा सॉल्व होके क्या आया? ये 48 एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0 सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब मेरा आंसर आया एक्स स्क्वायर टू माइनस 48 उसे प्लस का 48, एक्स स्क्वायर स्क्वायर अंडर 48। एलसीएम करके देखेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब 2 का पेयर बन गया, 2 into 2 4 बाहर आ गया, अंदर 3 का पेयर बनानी, तो अंदर तो आंसर आया मेरा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3।